अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नाज़िया है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ नायका हॉल पे। एक्चुअली मैंने एक बहुत सारी चीज़ें नायका से मंगाई, बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10 आइटम्स मैंने नायका से मंगाए थे। जो कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी वो, और कुछ मुझे नई ट्राई करनी थी वो। तो ये मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है, बस अभी पैकिंग खोली है इसकी। एंड आई वॉन्टेड टू सी वॉट आई हैव ऑन कैमरा। तो इसके साथ ये है और उसके अंदर मुझे ये बिल आए थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं निकाल रही हूँ वो ये पाउच है। इसके अंदर ऐसे बबल रैप में मिला है, तीन चीज़ें हैं। एक है कोलोसल काजल, वो जो ब्लैक काजल ये है। मैं एक्चुअली हमेशा येलो वाला यूज़ करती हूँ, मगर मुझे ये ट्राई करना था 36 आर वाला, और मुझे देखना था कैसा है ये। तो ये मुझे 300 रुपीज़ में मिला है, और इसके ऊपर एक्चुअली ये पाउच फ्री आया है, तो ये दोनों साथ में आए हैं। तो ये मुझे, आपको मैं बता देती हूँ खोल के किस तरह से है। ये मेबलिन का है, इसमें मेबलिन भी लिखा है, आप देख सकते हैं अंदर मेबलिन लिखा है इसके। और ये इस तरह सा कैरी पाउच है, आप आपके मेकअप छोटा और आपकी चीज़ें रख सकते हैं इसके अंदर, और ये इस तरह से बंद हो जाता है। रियली लाइक इट, इट्स वेरी नाइस स्टडी, न्यूयॉर्क का बना है। एंड मेकअप का कोलोसल काजल एंड मस्कारा एंड ऑल दैट इज़ मेड ओवर देयर। आई रियली रियली लाइक इट, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल, वेरी स्टडी एंड वेरी नाइस टू यूज़। छोटे मोटे लाइक काजल मेकअप आप रख के इसको कैरी कर सकते हैं इन योर पर्स। ये दो चीज़ें, तीसरी चीज़ थी इसमें ब्लू हेवन का स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं नया कुछ ट्राई करके देखूं कि कैसा है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे। तो ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मैं इसको ट्राई करके इसका रिव्यू इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। तो ये एक हो गया। उसके बाद जो था वो है ये ओके, एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोडक्ट। वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन है ये, और ये मुझे बहुत दिनों से ट्राई करना था, तो मैंने ये ऑर्डर किया है, मैं इसको यूज़ करूँगी। ये वेट एंड वाइल्ड का है, एंड मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी कि इसका मुझे कैसा लगा, बिकॉज़ मैं हमेशा मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं देखूँ कि मुझे ये वाला फाउंडेशन कैसा लगता है। तो मैंने ये न्यूड आइवरी मंगाया है इसने, मेरा शेड। अब मैं इसको ट्राई करके देखूँगी इंशाल्लाह, और इसका रिव्यू भी मैं जल्द ही यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। फिर ये मेबलिन के लिपस्टिक्स आए हैं, जो मुझे बहुत दिनों से ट्राई करने थे, तो मुझे इसमें दो तीन शेड मैंने ट्राई किए हैं। तो ये एक शेड है, एंड ओ दे हैव सेंट मी, ओ दे हैव सेंट मी टू ऑफ दीज। आई डोंट नो इफ इट इज बाय मिस्टेक और आई हैव ऑर्डरड टू, आई हैव टू चेक इट एंड सी। ओ बाय मिस्टेक आई हैव ऑर्डर दीज टू, दीज आर 599 ईच। आई थिंक आई मस्ट हैव डबल चेक्ड इट एंड आई ऑर्डर टू ऑफ दीज। खैर नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई इट एंड सी हाउ दे वर्क। सो टू ऑफ दीज आर देयर, एंड देन आई हैव ऑर्डर दीज टू, एंड मुझे ये ट्राई करके देखना था कि कैसे हैं ये। तो ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, और इसकी भी प्राइस आई थिंक 260 थी ईच, इस पर डिस्काउंट मुझे मिला है, और ये मुझे बहुत पसंद आए। आई वॉन्टेड टू रियली ट्राई इट एंड सी कि ये कैसे हैं, और माई डॉटर ऑल्सो कैन यूज़ इट इन कॉलेज इन स्टफ़। तो ये, और इसमें मैंने मेबलिन में एक और मंगाया था जो मैं हमेशा मंगाती हूँ, मगर ये मैंने थोड़े एक ये और एक ये तीन दो ये, तो ये तीन मैंने मेबलिन के मंगाए हैं, और मैं इसका भी इन पे भी मैं रिव्यू इंशाल्लाह करके आपको यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये कैसे हैं। तो ये तीन थे, एंड ये 180 का है, ये 260 के हैं। आई जस्ट चेक द प्राइजेस, एक्चुअली वो मुझे डिस्काउंट पे भी मिले थे, इसलिए मैं प्राइस चेक कर रही हूँ, क्योंकि उनकी ओरिजिनल प्राइजेज में मुझे नहीं मिले थे ये, मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। खैर ये मुझे डिस्काउंट पे मिले थे, मगर इनकी ओरिजिनल प्राइस इसकी 170 है, 180 है, एंड इसकी 260 है।
तो आई विल ट्राई दिस एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो. ऑन वेट एंड वाइल्ड अगर आप सर्टन ऑर्डर के ऊपर जाते हो 1000 और समथिंग, आई थिंक आई डोंट नो वाई, ये भी मुझे उस पर फ्री मिला था, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मगर ऑन सर्टन अमाउंट अगर आप ऑर्डर करते हो तो दे गिव यू दिस फॉर फ्री. तो ये उन्होंने उनका वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन मुझे फ्री दिया है, कम्फर्ट जोन. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई. एंड मुझे वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो बहुत पसंद है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑन. और इसमें बहुत अच्छे शेड्स हैं, ब्राउन्स एंड ग्रीन्स, एंड आई रियली लाइक दिस. इसका भी मैं रिव्यू इंशाल्लाह जल्दी ही दूँगी. आई विल यूज़ दिस एंड इसका रिव्यू मैं दूँगी. ये मुझे फ्री आया था, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया. मेरे ऑर्डर पर ये दो चीज़ें मुझे फ्री मिली हैं और मैंने ये ऑर्डर नहीं की थी. सर्टन अमाउंट का मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसके ऊपर मुझे ये फ्री आई है. देन मुझे अगेन लाइनर में ही, एक्चुअली आई वॉज एक्सप्लोरिंग मोर गाला कंपनी. दिस इज गाला, इफ यू कैन सी. मुझे इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने थे जिसमें ये था, ये है लाइनर, ब्लू आई लाइनर, और ये 100 रुपीज़ में है शायद. तो मुझे ये ट्राई करना था. आई वॉन्टेड टू ट्राई सम डिफरेंट कलर आई लाइनर. तो ये मैंने ब्लू कलर का आई लाइनर गाला का मंगाया हुआ है, लिक्विड आई लाइनर. और ये मैंने नेल पॉलिश इनकी ट्राई की है. ये आई थिंक 40-50 रुपीज़ की थी. तो मुझे लगा आई शुड ट्राई इट एंड सी कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा है. तो ये एक मैंने गाला का मंगाया नेल पॉलिश, और ये आई लाइनर ब्लू, ब्लू आई लाइनर आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट एंड सी. और ये भी मैं यूज़ करके आपको इसका रिव्यू बताऊँगी इंशाल्लाह. आई रियली लाइक दिस. सी, दिस इज़ वेरी ब्राइट ब्लू. वाओ, आई रियली लाइक इट एज यू कैन सी. तो मैं इसको भी यूज़ करके इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू जल्द ही दूंगी. सो ये दो चीज़ हो गई. फिर मुझे एक्चुअली एक और चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो है खादी. ये है खादी का. मुझे खादी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, स्पेशली देयर ऑयल, हेयर ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेयर फॉल, एंड देयर सोप्स आर वेरी गुड. आई रियली लाइक देयर सोप्स एंड ऑल. तो मुझे एक्चुअली ट्राई करना था उनके, मैं कर चुकी हूँ इसके पहले ऑल द सोप्स, और उनके शैम्पूज़ मैंने ट्राई किए हैं, कंडीशनर्स मैंने ट्राई किए हैं, आई हैव ट्राइड देयर फेस मास्क एंड देयर क्रीम्स, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे, देयर रिजल्ट्स आर वेरी नाइस. तो मुझे ये अच्छा ऑफर दिख रहा था तो मुझे ट्राई करना था एंड मुझे देखना था कितने में मुझे मिलता है. ये डिस्काउंट पे था तो मुझे 199 में आई थिंक ये पूरा पैकेट मिला है खादी का. इसमें खादी हैंडमेड है होम एंड इसमें हैंडमेड सोप कलेक्शन है. दीज आर हैंडमेड, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं और रियल प्रोडक्ट से दे मेक ऑल दिस थिंग्स. तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा. आई रियली रियली लाइक इट. एंड इसमें सारे उनके सारे जो भी आप फ्लेवर बोल लीजिए या कॉम्बिनेशन बोल लीजिए, लाइक एलोवेरा है, नीम है, जितने उनके 12 पीसेज आई थिंक, नाइन, या एक 12 पीसेज आर देयर और ऑल द थिंग्स आर देयर. लाइक इसमें मैं आपको बताती हूँ, एलोवेरा है, चंदन है, लेमन है, नीम, तुलसी है, सैफ्रॉन है, रोज़ वाटर, प्योर मिंट है, मिक्स फ्रूट है, नीम अगेन, लेमन ग्रास है, ऑरेंज सोप है एंड सैंडलवुड है. नीम एंड तुलसी भी है. तो इनकी साइज़ एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आ रही है. ये इस तरह से हैं और इनकी साइज़ छोटी है. जनरली इनके जो होते हैं पैकेजिंग वो इतनी बड़ी होती है, लाइक 3x or 4 टाइम्स द साइज़ दे आर. तो मुझे अगर कोई सोप नहीं पसंद आया तो देन आई एम लाइक स्टक विद इट एंड इट टेक्स टाइम टू यूज़ अप दीज वंस. मगर ये छोटी साइज़ है एंड आई कैन स्टिल यूज़ इट एंड फाइंड के मेरे को कौन सा पसंद आ रहा है ना, जो मुझे पसंद आएगा उसमें मैं बड़ा वाला साइज़ ले सकती हूँ. तो मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई ऑल द कॉम्बिनेशंस दे हैव. एंड दिस इज़ द पैकेजिंग दैट दे हैव एंड दिस वाज आई थिंक 199 में मुझे ये सारे 12 मिले थे. तो आई रियली लाइक दिस एंड मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई लगी. इस तरह से था पैकेजिंग में, या आप गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं किसी को, आपके खुद के यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी इजी है.
अगर आप ट्रैवलिंग में एक सोप लेके कहीं चले जाएं तो इट्स बेटर टू यूज़ इट, आपके पर्स में भी ये आ सकता है। तो मुझे ये साइज़ बहुत अच्छी लगी थी फॉर ट्रैवलिंग थिंग एंड डेली बेसिस में ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टाइम, दिस इज़ माई हॉल फ्रॉम नायका, एंड इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोस एंड रिव्यू दिस प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह, एंड आई विल लेट यू नो माई ओपिनियन अबाउट इट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट बिलो, हिट द रेड बटन एंड द बेल आइकन एज वेल एज, सो आपको मेरे वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।